देखिए, राज्य की सरकार एक तो कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रही है। जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, खानापूरी हो रही है, और जो सच है उसको उजागर करने की जो एजेंसी है, जो मीडिया के लोग हैं, अब वहाँ जाकर सच को लोगों के सामने पहुँचाने का काम करते हैं। अब राज्य की सरकार ने एक विचित्र तरह का निर्णय लिया है। राज्य की सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ है कि क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया कर्मियों को नहीं जाने देना है, उनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का रवैया लोकतंत्र पर सीधे हमला है। अब इस तरह की स्थिति को हम लोग आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं। मीडिया के काम को रोकना सच को बाहर आने से रोकना है। इसलिए इस सरकार के इस निर्णय का हम घोर विरोध करते हैं, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। साथ ही साथ राज्य की सरकार से निवेदन भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से, कि इस निर्णय को मुख्यमंत्री जी वापिस लीजिए। हमने कल तक का समय दिया है, अगर नहीं वापिस हुआ तो परसों 10 तारीख को, 10 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी पार्टी के साथी बैठेंगे, धरना सत्याग्रह करेंगे। 2 घंटा के लिए सांकेतिक धरना सत्याग्रह करेंगे। उस दिन काला दिवस मनाएंगे, 10 मई को काला दिवस के रूप में हम सब मनाएंगे। मुंह पर काली पट्टी बांधकर पार्टी के सभी साथी 10 बजे से 12 बजे तक धरना सत्याग्रह पर बैठेंगे। यह हमारी पार्टी का निर्णय है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी अविलंब इस तरह के निर्णय को, घोर अलोकतांत्रिक निर्णय को आप वापिस लीजिए।